हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं ईवीएस की। ईवीएस की पूरी बुक को जो सीटेट में पूछा जाता है, जो यूपी टेट में पूछा जाता है और अलग अलग टेट्स में पूछा जाता है, तो उसको पूरा कंपाइल करके एक वीडियो का रूप दिया हुआ है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आपको और भी सीटेट से रिलेटेड वीडियोस जरूर मैं बनाकर दिखाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईवीएस शॉर्ट नोट्स फॉर सीटेट। इन दिस एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल और डिस्ट्रॉय द जंगल। ये स्टोरी है एक स्नेक चार्मर की स्टोरी। एक सपेरा होता है और जिसको कालबेलिया भी बोलते हैं। नाग गुम्फन डिजाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली। ये नाग गुम्फन जो क्या है, एक प्रकार की रंगोली होती है जिसको एक डिजाइन है जिसको गुजरात और साउथ इंडिया में यूज करते हैं। और स्नेक चार्मर रिकॉग्नाइज एज अ स्नेक बाइट बाय इट्स मार्क, और इसको जो किस प्रकार वो स्नेक बाइट करता है उससे पहचानते हैं। अगला है इसमें कि स्नेक चार्मर कलेक्ट और मेक मैनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट विद दे फाउंड इन फॉरेस्ट। क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं वो चूहे को खा लेते हैं और जो स्नेक्स इस प्रकार उनकी मदद करते हैं ताकि जो चूहे हैं वो उनका अनाज को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके अलावा हमारे भारत में चार प्रकार के जो स्नेक्स हैं वो पॉइजनस माने गए हैं। कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर जिसको दुबोइया भी कहते हैं और सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर जिसे अफाई भी कहते हैं। इन चार के अलावा भारत में जो जितने भी स्नेक्स पाए गए हैं उन्हें इतना जो जहरीला नहीं माना गया है। ये सारी जो चीजें बताई गई है वो स्नेक्स के बारे में बताई गई हैं। अगला है इसमें बताया गया कि स्नेक्स के टू होलो थीथ होते हैं जिसके वो लोग फैंग्स उसको बोलते हैं, जिसमें से वो पॉइजन्स दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर करता है। और स्नेक के बाइट से ही मेडिसिन भी बनती हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब भी आप जाते हैं कि आप किसी को सांप काट गया तो जो वो मेडिसिन बनती है वो भी स्नेक के जहर से ही बनती है। अगला हमारा है टॉपिक फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। स्टमक का टेम्परेचर 30 डिग्री रहता है और स्टमक में एक प्रकार का जूस एसिडिक बनता है जिससे सब कुछ पाचन क्रिया चलती है। और इसके अलावा मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट। सबसे ज्यादा जो राइस है वो उड़ीसा के कालाहंडी में उगाया जाता है और अदर स्टेट्स में भी भेजा जाता है। उसकी प्रोडक्शन सबसे हाई है लेकिन वहां फिर भी गरीबी है। मुस्लिम क्लोथ is used to strain something muslin, ये एक प्रकार का क्लोथ है। और अत्रयपुरान टाउन इज इन आंध्र प्रदेश। ये छोटी छोटी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ पूरे साथ साथ, ये सब इम्पोर्टेंट है। कभी भी टॉपिक पूछ लिया जाता है या कभी भी पूछ लिया जाता है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह है, ये कहाँ है। इसके अलावा ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद द पिकल। अचार बनाने से पहले कांच के बर्तन को अच्छी तरह सुखा ले ताकि उसमें मॉइस्चर ना रहे वरना अचार खराब हो सकता है। ये लास्ट लाइन ही बता रही है। अगला मेरा टॉपिक है वंडरिंग सीड्स। सीड्स यानी कि जो बीज है, बीज के कमाल। द सीड्स हैव मेनी टाइनी हुक्स विच दे स्टक टू क्लोथ्स और फर। दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वॉटर। और कुछ इस प्रकार की सीड्स, ये अलग प्रकार के सीड्स बताए गए हैं जो आपके चिपक जाते हैं क्लोथ के साथ, वो आपके साथ ट्रैवल कर जाते हैं। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप दे बस्ट विद द सीड्स आर थ्रोन आउट। सोयाबीन के भी इस प्रकार सीड्स बताए। इसके अलावा बताया गया कि ग्रीन चिलीज, टोमेटो एंड पोटैटोस भी हमारे देश के नहीं है, वो भी कहीं दूसरे देश से लाए गए हैं। इन सब के बारे में सीड्स बता रहे हैं। अगला चीजें है हमारी इसमें जानकारी कि ये इंडिया से नहीं आया, ये साउथ अमेरिका से आया, जिस जो हमने अभी चर्चा की। यूरोप से क्या लाया गया, पत्ता गोभी और मटर लाए गए। अफ्रीका से कॉफी बीन्स और ग्रीन भिंडी। अगला टॉपिक है हमारा एवरी ड्रॉप काउंट्स, यानी कि किस प्रकार पानी को बचाया जा सके, उस पर ये चैप्टर बेस्ड है। ये चैप्टर एक घड़ीसर नामक जगह के ऊपर बनाया गया है। वहां पर पानी की बहुत ही किल्लत हुई थी तो किस प्रकार वो पानी को स्टोरेज करते हैं, किस प्रकार यूज करते हैं उसके बारे में है। ये घड़ीसर लेक के बारे में है। दिस इज स्टोरी ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर यानी कि राजस्थान की एक स्टोरी है ये। वहां 9 लेक्स थे विद सिंगल लेक, जो कि सिंगल लेक से सारे लेक्स भरते थे। जैसलमेर गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, वहां पर काफी कम बारिश होती है।
वंस और ट्वाइस इन ईयर एट सम प्लेसेस पीपल सेलिब्रेट इट्स वेन एवर लेक्स, वहां पर जब भी तालाब भरते थे तो पीपल सेलिब्रेट करते थे। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी जब न्यू ब्राइड गोज टू वो टू द स्प्रिंग और द पाउंड, जब भी नई नईली दुल्हन तालाब के पास जाती है तो भी वो पूजा करते हैं। द रीजन वाई वेल्स हैव ड्राइड अप, जो ये कुएं थे वो क्यों सूखते जा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेटर जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर से वो पानी निकाल लिया गया है, रिसाइकल नहीं हो रहा लेक्स का पानी, रेन वाटर वापस नहीं जा रहा अंदर तक, इसलिए ये सब कम हो रहा है। द सॉयल अराउंड ट्रीज एंड पार्क इज नाउ कवर्ड विद द सीमेंट, जो पानी है वो वापस इसलिए भी नहीं जा रहा क्योंकि सीमेंटेड पूरी हर जगह हो चुकी है, कच्ची मिट्टी है नहीं। अगला टॉपिक है हमारा एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, ऑल ओशियन एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, सारी समुद्र में सॉल्टी वाटर है, सॉल्टीएस्ट वाटर कैन बी फाउंड इन डेड सी, सबसे ज्यादा डेड सी में है, 300 ग्राम सॉल्ट इन वन लीटर, मतलब इतना सॉल्टी कि 300 ग्राम है एक लीटर में। नो वन कैन बी ड्रॉन इन द डेड सी बिकॉज सो मच सॉल्ट, वहां पर कोई भी डूब नहीं सकता क्योंकि वहां डेंसिटी इतनी ज्यादा है, लवणता ज्यादा है। द पर्सन विल फ्लोट ऑन द सर्फेस, वहां तैर सकते हैं उसके ऊपर क्योंकि वहां डूब ही नहीं सकते, ऐसी झील है वो। ए ट्रीट फॉर मॉस्किटो, ए ट्रीट फॉर मॉस्किटो यानी कि मच्छर के ऊपर चैप्टर है। इन मलेरिया फीवर्स कम विद अ चिल्स, ठंड लगती है मलेरिया में। मेडिसिन जो मलेरिया की बनती है चिंचना ट्री से बनती है। आयरन कैन बी फिल्ड विद जैगरी, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल। फ्लाई स्प्रेड डिजीज लाइक स्टमक प्रॉब्लम, जो पतंगे ये मक्खियां वक्खियां ये स्टमक प्रॉब्लम देती है। एल्गी काइंड ऑफ प्लांट विच स्प्रेड रेनी सीजन, एल्गी मोस्टली रेनी सीजन में होता है। द साइंटिस्ट हु पीप्ड इनटू मॉस्किटो स्टमक, रोनल रॉस, ऐसा साइंटिस्ट जिसने मॉस्किटो के स्टमक की जांच करी थी वो था रोनल रॉस। ही फाउंड आउट अबाउट मलेरिया अबाउट पीपल बिलीव दैट डिजीज इज बैड एयर, उन्होंने ही इसकी खोज की थी मलेरिया की। और इसके अलावा वो फीमेल लेडी मॉस्किटो से होता है ये उन्होंने बताया था। प्लाज्मोडियम लुक ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स। इसके अलावा अगला देखते हैं, विटामिन एंड आयरन गिव स्ट्रेंथ टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड, ठंडे इलाकों में विटामिन और आयरन हमें गर्म रखते हैं। टेकला विलेज इज एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर इन झालारापट्टम झालवार राजस्थान में, जो टेकला विलेज है वो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है झालवार राजस्थान में। द एंगल ऑफ अवर बॉडी शुड बी 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग इन द बैक शुड बी स्ट्रेट, जब भी हम पहाड़ चढ़ रहे हैं तो हमारी जो बॉडी है वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए चढ़ते वक्त। बचिंद्री पाल इज द फर्स्ट वुमेन एंड द फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बचिंद्री पाल विश्व की पांचवी और भारत की पहली महिला है, जो इनके बारे में पूरा चैप्टर आप पढ़ भी सकते हैं उसमें, लेकिन शॉर्ट में मैं ये बता रहा हूँ। मुंबई इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी इन द इंडिया, सबसे ज्यादा घनत्व है सिटी में अगर देखे तो। टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई वन हैज टू क्रॉस मेनी स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए काफी स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है और जम्मू कश्मीर को पार करके ही हम जा सकते हैं, कहाँ पर माउंटेन्स में, जम्मू कश्मीर के वहां पर सारे माउंटेन्स है, और लद्दाख लेह लद्दाख जाना हो तो जम्मू कश्मीर को पार करके ही हमें पहुंचना पड़ेगा। अब पीपल यूज नायलन टेंट्स ऑन हिली एरिया, नायलन टेंट्स इसलिए यूज करते हैं उसे ठंड ज्यादा नहीं लगती। लद्दाख इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट भी उसे कहा जाता है। लद्दाख यू विल सी वुडन हाउसेस, वहां पर लकड़ी के हाउसेज होते हैं, स्लोपिंग रूफ होती है ताकि बर्फ गिर जाए नीचे उनके ऊपर टिक ना सके। लद्दाख इज हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड ए कोल्ड डेजर्ट, वहां पर हाई ड्राई सूखा काफी है, वो वहां पर रेनफॉल भी काफी कम होती है। आगे देर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन एंड कोल्ड फ्लैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, वहां पर बादल छाए रहते हैं, ठंडक हमेशा रहती है। लद्दाख में झूले झूले मींस वेलकम वेलकम। इट वाज अ बिल्डिंग विद टू फ्लोर्स, द हाउस वाज मेड ऑफ स्टोन विच वर कैप्ड वन ओवर अदर, यानी कि वहां जो घर बनाए जाते हैं वो स्टोन्स के बनाए जाते हैं ताकि और एक साथ साथ चिपके रहते जाकर। द वॉल्स वर कवर्ड थिक मोटी बनाई जाती है मड ऑफ लाइम की। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल, वहां पर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें ग्राउंड फ्लोर एनिमल्स के लिए बनाए जाते हैं, उसको स्टोरिंग के लिए बनाया जाता है। समटाइम व्हेन इट्स गेट्स टू कोल्ड पीपल आल्सो मूव डाउनस्टेयर, जब ज्यादा ठंड होती है तो ऊपर से नीचे वाले फ्लोर पे आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर हैव नो विंडो, ग्राउंड फ्लोर में वो कोई विंडो नहीं बनाते,
ट्री ट्रंक्स आर यूज टू मेक रूफ स्ट्रॉन्ग, मोटे पेड़ के तने यूज करते हैं। रेड चिली, ऑरेंज पंपकिन एंड गोल्डन येलो कॉर्न्स वहां उगाए जाते हैं। ड्यूरिंग समर मतलब गर्मियों में वहां पर ड्राई मैनी फ्रूट्स, वहां पर क्या करते हैं फ्रूट्स जो भी उगाए जाते हैं क्योंकि सर्दियों में तो मिलेंगे नहीं, और उसे वो स्टोर करके रख देते हैं ताकि ड्राई फ्रूट्स बन जाए वो, तब वहां खाते हैं। थिक वॉल्स ऑफ वुडन फ्लोर एंड वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ लद्दाख फ्रॉम द कोल्ड, मोटी वॉल्स होगी, मोटी वुडन की वॉल्स होगी तो वो सब बचाएगी उन्हें ठंड से। लद्दाख देर आर नैरो रॉकी माउंटेन से घिरा हुआ है। चांगथांग इज अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर, चांगथांग जो है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। रॉकी प्लेन्स देर एट अ वेरी हाई प्लेस, पीपल फील डिफिकल्ट टू ब्रीद, ज्यादा ऊंचाई पर सरदर्द भी होने लगेगा, हाँ वीक फील करने लगेंगे क्योंकि आपको सांस नहीं आएगा। उधर कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है ना कोई मैकेनिक है। चांगपा एक ट्राइब है जो माउंटेन्स पे रहती है, जो 5000 पीपल का समूह है, एक ट्राइब है ये वहीं पर लद्दाख में है। चांगपा आर वेरी ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर रूट्स, दे गेट ऑल दैट दे नीड, मिल्क मीट स्किन टेंट्स वूल वहां पर ही उन्हें मिल जाता है अपने जो पशु पालते हैं। इफ ए फैमिली हैज मोर एनिमल, मतलब वहां ये देखा जाता है चांगपा में कि जिसके पास ज्यादा जानवर है वो ज्यादा अमीर है, और उसी से वो क्या बताते हैं उनके पास स्पेशल टाइप की गोट्स होते हैं उससे पश्मीना वूल बनाते हैं। चांगपा ग्रेज देर गोट देर हायर एंड कोल्डर प्लेसेस, उनका फर बहुत अच्छा होता है जिससे वो पश्मीना शॉल बनाते हैं। और अगेन द बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज यूज इन आसाम, द ट्रॉली यूज इन लद्दाख, द सीमेंट ब्रिज यूज इन नॉर्मल एरिया ओवर वाटर, वल्लम यानी कि स्मॉल वुडन बोट केरला में, फेरीज काइंड ऑफ बोट यूज इन केरला, कैमल कार्ट राजस्थान, बुलक कार्ट विलेज, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन इन माउंटेन उत्तराखंड, द बर्ड हैज इट्स आई ऑन इट्स हेड एंड द होल्स आर कवर्ड विद द फेदर्स दे हेल्प देम टू हियर, लिजर्ड हैज द सेम काइंड ऑफ ईयर्स, आंख जो छिपकली है उसके भी इस टाइप के कान होते हैं, क्रोकोडाइल हैज टू हेडेड आईज लाइक दिस बट वी कांट सी देम, डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल आर ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन, एनिमल्स विद ईयर्स हेयर्स ऑन द बॉडी गिव्स बर्थ, एनिमल्स विद नो ईयर्स आउटसाइड द बॉडी लेज एग्स, द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम्स द हेड ऑफ द हर्ड। ये सब जो बता रखा है ऊपर कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट एनिमल्स के बारे में बता रखा है, किस तरह के जानवर कैसे बर्थ देते हैं, किस तरह के जानवर अंडे देते हैं। जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वो हेड होती है फैमिली की, देयर इज नो मेल एलिफेंट इन द हेड, हर्ड दे लेफ्ट एज दे टर्न 14, 14 साल तक ही वो एक हेड बन के रहते हैं उसके बाद नहीं रहते। ये सारे डिफरेंट पैटर्न्स है एनिमल्स के उनकी हेयर और स्किन के बारे में। आगे है कि एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kg, 100 किलो तक वो खा सकता है लीव्स और फिग्स इन द वन डे, एलिफेंट स्लीप्स फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे, द मड्स कीप देयर स्किन कूल, जो वो मिट्टी लगा लेते हैं अपने ऊपर उससे वो क्लीन रहते हैं और साफ भी रहते हैं, उन्हें ठंडक मिलती है और 3 to 4 hours वो सोता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, दे फ्लैप देयर टू कीप देमसेल्व्स, देर आर 10 to 12 फीमेल्स एलिफेंट एंड यंग वंस इन द हेड, ये ग्रुप में 10 to 15 फीमेल्स होती हैं। खेजड़ी विलेज जोधपुर के पास है राजस्थान में, प्लेस वर बिल्ट टू विडन वुड्स एट दैट टाइम अबाउट 3 years ago, द पीपल ऑफ द विलेज वर कॉल्ड बिश्नोईस, वहां के विलेज के जो पीपल से बिश्नोई कहलाते हैं। द खेजड़ी ट्री कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर, खेजड़ी ट्री को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, अपने आप उग जाता है। इट गिव्स बीन्स एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाई इंसेक्ट्स, उसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा भी नहीं लगता। हनी बी के बारे में बताएं, देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, हनी बी का जो अगर पालन पोषण करना है वो अक्टूबर से दिसंबर के लिए अच्छा है। एवरी बीहेव हैज वन क्वीन बी टेटले एग्स, अंडे देती है वो अंडे का ध्यान रखती है, उसमें जो लेडी क्वीन होती है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव, गुच्छे में पूरे कुछ ही मेल्स, और मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, सारी जो बीज होती हैं वो एक तरह से वर्कर का काम करती हैं। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, कच्छ इज इन गुजरात, कच्छ जो है गुजरात में है। फूड ऑफ गुजरात क्या है, उनका स्पेशल डिश क्या है, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस, मिठाई में और
अहमदाबाद एंड वलसाड आर इन गुजरात। तो ये सब कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप ध्यान रखें, जो पूछ ली जाती हैं। मडगांव इन गोवा, देयर आर टोटल 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला। गोवा से केरला जाएंगे तो 2000 ब्रिजेस और 92 टनल्स आते हैं। कोझिकोड सिटी इन द केरला, मालाबार कोस्ट इन कैलकटा, कालीकट सॉरी। लैंग्वेज वेयर इट्स स्पोकन स्टेट, मलयालम केरला, कोंकणी महाराष्ट्र, गोवा सम पार्ट्स ऑफ केरला, मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली। जो ये इनकी भाषा है ये इन सब एरिया में बोली जाती है। कन्नड़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जेनिया आर यूज टू डाई क्लोथ्स। ये दो जो क्लोथ्स है, मैरीगोल्ड और जेनिया, ये डाई के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जो रंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कपड़ों में। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश फेमस फॉर मेकिंग मधुबनी, इज वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। देर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग्स काफी मशहूर हैं, सुनी भी होंगी आपने। बेलविंका विलेज इन कर्नाटका। गिजूभाई भेड़का लिव्स इन गुजरात, ही रोट मेनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। जो गिजूभाई भेड़का है उन्होंने काफी स्टोरीज लिखी है बच्चों के लिए। इन इंडियन रॉबिन्स लेज इट्स एग इन बिटवीन ऑफ स्टोन्स अलोंग रोड साइड, कोयल लेज इट्स एग इन क्रो नेस्ट। जो कोयल है अपने अंडे जो वो कौवे के में उसमें घोंसले में दे देती है। बर्ड्स आर यूज्ड टू नेस्ट ओनली टू ले। अबाउट बनियन ट्री, व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर, मतलब ये बरगद के पेड़ में बात हो रही है, बरगद के पेड़ के बारे में, वो उसकी ब्रांचेस लटकी रहती हैं। डेजर्ट ओक का ऐसा ट्री है, उसमें वो ऑस्ट्रेलिया में फाउंड होता है। ओक ट्री रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। ओक ट्री ज्यादातर रेगिस्तान में मिलता है। बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम। माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड इन 4th एंड 15th जनवरी एंड द 1st एंड 2nd माघ, द 10th एंड मंथ ऑफ एसमस। दे मेक भेला घर फॉर बैम्बू। मुक्तापुर विलेज इज इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। ट्रेडिशनली ऑक्यूपेशन आर कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग, परफ्यूम प्रोडक्शन आर लाइक। दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे आर मेड, लाइक कुल्लू शॉल्स, मधुबनी पेंटिंग, असम सिल्क, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। अबूधाबी इज इन यूएई, करेंसी ऑफ अबूधाबी इज दिरहम, पपाया, बेटल नट एक्सेट्रा। द ओनली ट्री विच ग्रोज इन डेजर्ट इज डेट पाम। जो रेगिस्तान में ट्री ज्यादातर उगते हैं वो है यानी कि खजूर का पेड़। यू कैन फाइंड वेरियस स्पाइसेस इन केरला लाइक तेज पत्ता, कार्डमम एंड ब्लैक पेपर। गर्म मसाला इज मेड ऑफ स्मॉल एंड बिग कार्डमम, क्लोव्स, दालचीनी, जीरा, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर एक्सेट्रा। अब एक वहीदा प्रिज्म की स्टोरी बता रहे हैं। वहीदा प्रिज्म थन्नामढ़ी विच इज रजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की है। टोटल नंबर ऑफ कमांड्स इन परेड्स इन 36। एक वहीदा प्रिज्म के बारे में स्टोरी है ये आप जरूर पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तिब्बतन आल्सो कॉल्ड भूती इज अ लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख। मदर एंड फादर इन भूती लैंग्वेज अम्माले आबाले। एज द एंट मूव दे लीव्स अ स्मॉल इन द ग्राउंड, द अदर एंट्स फॉलोस द, दे आल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट एंड हीट ऑफ देयर बॉडी। डॉग्स मार्क्स आउट देयर ओन एरिया इन द रोड। जो कुत्ते हैं उनका एरिया बटा हुआ होता है कि कहाँ किसका एरिया है, कहाँ किसका नहीं है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज इन आइदर साइड ऑफ द हेड एंड देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। जो बर्ड्स होती है उनकी आईज दोनों जगह फोकस करती है, जैसे हमारी सीधा है उनकी एक इस तरह एक इस तरह, दोनों जगह फोकस करती है उनकी आईज। आगे हम देखें तो some birds like kites, eagles, vulture can see 4 times, हमसे चार गुना अच्छा देख सकते हैं वो। animals cannot see as many colors as we can, हम जितने कलर देख सकते हैं वो शायद दो तीन ही देख सकते हैं, ब्लैक व्हाइट इस तरह के कलर दिखते हैं उन्हें, हर चीज ब्लैक व्हाइट और इस टाइप से ही दिखेगी। स्नेक्स जो होते हैं उनके कान नहीं होते, वो भैरे होते हैं, वो वाइब्रेशन से पहचानते हैं हमें। और आगे हम देखें, some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. जब भी कुछ हलचल या प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो animals को सबसे जल्दी पता लगता है। ऐसे ही ऑब्जर्व किया गया था animals ने जब अंडमान और निकोबार में जब सुनामी आने वाली थी। अब हम बात करते हैं अबाउट स्लीप की।
लिजर्ड जो है वो गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट सिक्स ऑलमोस्ट ए सीजन, पूरे सीजन के लिए सो जाती है। काउ स्लीप्स 4 आवर्स इन अ डे। पाइथन यानी कि सांप जो सोता है वो 18 घंटे तक सोता है। जिराफ स्लीप्स अराउंड 2 आवर्स। ये सब चीजें हैं। कैट स्लीप्स अराउंड 12 आवर्स अ डे। थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर, टाइगर के बारे में कुछ जानकारियां। टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट, दिन से ज्यादा वो नाइट में अच्छा देख सकता है। और उसके जो कान होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, वो एक झंझनाहट से भी पहचान लेता है तुरंत। टाइगर जो है अंधेरे में शिकार कर सकता है अच्छा। टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग बहुत ही अच्छी होती है उसकी सुनने की शक्ति। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन द हेल्प टू कैच हिम द फाउंड ऑल द अराउंड। वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए किसी चीज का भी सहारा ले सकता है, इसलिए वो जंगल का शेर, जंगल का राजा माना जा सकता है, क्योंकि उसके पास इस तरह की पावर्स है, वो पहचान लेता है। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, व्हेन इट्स एंग्री, व्हेन इट्स कॉल आउट अ टिग्रेस। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नैल, इट्स रोर मतलब संघाड़ता है, उसकी जो आवाज है 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। डेंजर टू एनिमल, द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टूडे टाइगर आर इन डेंजर। आज टाइगर जो है वो काफी डेंजर्स में है, डेंजर जोन में है। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड। इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स मेनी डिग्री ब्राउन। इन चांगपाल लैंग्वेज चैंगथेंग मीन्स अ प्लेस वेयर द फ्यू पीपल लिव। In Srinagar, you will see some house in the mountains. Different kinds of shelters in Jammu Kashmir. Some on high mountains, some on water, some with beautiful design in wood and stone. And some mobile shelter that can even be packed and carried to another place. Jammu Kashmir ke baare mein kuch khasiyat batayi gayi hai ki wahan log kis tarah rehte hain, kis tarah apni life jeete hain, kya karte hain, unke baare mein bataya gaya hai. Near the Rebo, there was a lake to place keep sheep and goats. Rebo ke paas chunk pass, call it lekha. Each family puts a special mark on their own animal. Har family hoti hai, wo apna ek special mark laga deti hai, ye hamare animals pe hai, ye hamare hai, ye hamare hai. The women and young girls count, they take the animals of the lekha. Kargil comes in the way to Srinagar from Ladakh. Houses of Srinagar ke hum bare mein baat karte hai. हाउस बोट्स होती है वहाँ पर, डोंगा होती है। हाउस बोट्स कैन बी लॉन्ग एज 80 feet to 8 to 9 feet। डोंगा, दिस बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक, झेलम रिवर फ्रॉम इनसाइड। डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद द डिफरेंट रूम। ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन बोट्स कैन बी सीन इन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट। इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे डिजाइन बने होते हैं डोंगा पे। जब भी आप जाएंगे देखेंगे कि शिकारा भी इस टाइप की बोट्स होती है जिसपे डिजाइन होते हैं बाहर भी अच्छे भी, ताकि लोग इस पर आकर्षित हों। Some big boats, this design is called Khatamband, which has pattern that look like a jigsaw puzzle. In village of Kashmir, houses are made from stones, cut and kept on the top of the other and the coated with mud. Wood is also used, the houses having sloping roof. वो क्या करते हैं, मोटे मोटे पत्थर और झाड़ियाँ stones वो छत के ऊपर रख देते हैं ताकि वो ढके रहे। Some old houses have special types of window which comes out of the wall. This is called dub. It is beautiful wood pattern. The old houses were here made of stones, brick and stone. और अगला है when the earth shocks. 26 जनवरी 2001 अर्थक्वेक हिट हुआ था कच्छ में, ये सभी जानते हैं। उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है कि कैसे जानवरों को भी पता लग गया था कि भूचाल आ रहा है, तो उसी के बारे में। A blow hot, a blow cold. This story has been written in by Dr. Zakir Hussain, former President of India. The air coming out from mouth can be cold or hot. ये हम देख सकते हैं, stethoscope used to heartbeat. The cold air comes down as it is heavier. ठंडी air नीचे को बैठती है और गर्म air ऊपर को जाती है, सबको पता है। गांधी जी फ्रेंड्स, माधव भाई सन्स नारायण स्टेज विद द गांधी जी वेन ही वॉज यंग। टीचर कैन यूज न्यूज आइटम्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। गांधी जी के ऊपर ये चैप्टर है, किस तरह उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, हटाया। भीमराव अम्बेडकर वॉज फ्रॉम गोरेगांव इन महाराष्ट्र। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय द लीडर ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर।
अक्रॉस द वॉल भी चैप्टर है जिसमें द नांगपांडा एंड द अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम्स आर इन मुंबई, विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन रेलवे स्टेशन इन मुंबई जिसका नाम भी चेंज हो चुका है, शोलापुर इज इन मुंबई, बच्चों खान प्ले ग्राउंड इज इन मुंबई नेम्ड आफ्टर कोच मुस्तफा खान। ये एक बच्चों खान प्ले ग्राउंड है जिसका मुस्तफा खान जिनके कोच थे उनका नाम पर ये पड़ा है जो मुंबई में स्थापित है। ए सीड्स टेलस फार्मर स्टोरी, वंगम इज इन गुजरात, इन ओल्ड टाइम्स गुड सीड्स आर स्टोर्ड इन, पहले के टाइम में क्या करते थे बीज को सुखा लेते थे, जो लौकी होती थी उसको भी मड के नीचे दबा देते थे ताकि वो काफी दिन तक यूज हो सके। नीम लीव्स प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, उंडिया इज अ काइंड ऑफ डिश सब्जी प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द पॉट अपसाइड डाउन बिटवीन द पोर्ट कॉल्स, उंडिया मीन्स अपसाइड डाउन इन गुजराती, अलग अलग टाइप के लोग पहले सिक्योर कर लेते थे। उंडिया इज बींग इन ईटन विद द बाजरा रोटी एंड होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क by growing in the same crop over and using so many chemicals the land become unfertile, ज्यादा ज्यादा केमिकल डालने पर जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती है। Crotons plant give signal when the soil becomes dry, एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो सिग्नल देते हैं जब बंजर हो जाती है जमीन, ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है। द रूट्स ऑफ द क्रोटन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड, सो व्हेन द मतलब ये ज्यादा नीचे भी नहीं जाती इसकी जड़े। द अर्थवर्म सॉफ्टन्स द सॉइल बाय डिगिंग अंडर नेट टू द मेक टनल, अर्थवर्म्स क्या करते हैं एक तरह से खाद बनाने का काम करते हैं। अब फॉरेस्ट के बारे में देखिए, फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग इन द प्लेस वेल माइंस एंड डग डैम्स आर बीइंग, फॉरेस्ट क्या है वो कम होते जा रहे हैं जहाँ पर डग्स डैम्स और ये सब बन रहे हैं। तोरंग मीन्स जंगल इन द कुडकुड लैंग्वेज, कुडुक लैंग्वेज। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वॉज मेड इन 2007, द लैंड ऑन विच वी ग्रो वन टिन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड वन टिन ऑफ लैंड, इस तरह से कुछ चीजें आप जरूर ध्यान रखें सारी। अब झूम फार्मिंग के बारे में, आफ्टर कटिंग वन रो क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट, मतलब क्या होता है झूम फार्मिंग के बारे में, एक जगह उगा लेते हैं वो फिर उसके बाद दूसरी जगह उगाते हैं, जो वो जगह बच जाती है उसको काट के वहां पर वो जला देते हैं, वहां पर कुछ समय बाद वहां पर फिर खेती करते हैं, उससे क्या होता है वहां पर वो फर्टाइल लैंड हो जाता है। और बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, दे आर कट एंड बर्नड, जैसे मैंने बताया अभी। आगे है इसमें कि वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर आल्सो पुट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट सो दैट दे गेट मिक्स्ड विद द सॉइल, दिस आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, दिस इज बीइंग डन इन मिजोरम, द मेन क्रॉप हेयर इज राइस, मिजोरम की मेन क्रॉप राइस है। द पीपल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप इज राइप, पक जाती है वो सेलिब्रेट करते हैं। चेरो डांस होल्डिंग बैम्बोस, बैम्बोस के साथ खड़े होके चेरोस डांस करते हैं वहाँ के लोग मिजोरम के जब वहाँ की फसल पक जाती है। अब पोलियो कैसे होता है, पोलियो एक वायरस से होता है, डॉक्टर कैन बी इनवाइटेड टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस डिजीज, डॉक्टर ने बहुत बताया हुआ है। ग्रेगर मेंडल है वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया में 1822 में, फॉर 7 ईयर्स ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन 28,000 plants in the garden of the monastery. Tea plant have some traits which come in pairs. Tea plants के बारे में, मटर के बारे में उसने काफी खोज की थी कि वो सेम रूट से उगते हैं। On the move again chapter है, the Shara comes after the rainy season, यानी कि जब सेप्टेम्बर के बाद ही यानी कि अक्टूबर में ही रेनी सीजन में दशहरा आता है। Farming of sugar cane needs much water. गन्ने की खेती में काफी पानी इस्तेमाल होता है। और पूरनपल्ली स्वीट्स रोटी मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम्स, पूरनपल्ली होते हैं मीठी रोटी वो गुड़ से बनती है और उसमें और भी चीजें मिलाते हैं। कारामा इज ए बस इज अ कार्ट विच इज कैन लिव विद द फैसिलिटी, ये एक प्रकार की फुल फैसिलिटी बस होती है कारामा। और रेड्स हैव पुअर आई साइट, जो चूहे होते हैं उनकी पुअर आई साइट होती है लेकिन एक्सीलेंट स्मेल टच एंड टेस्ट होता है। इन नागपुर दे पुट शुगर इन दाल, मीठा डालते नागपुर में, दे कॉल्ड मुद्रा धन भाव। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, जो उल्लू है वो अपनी गर्दन पीछे तक मोड़ सकता है। द बर्ड फेदर फील इट फ्लाई एंड कीप इट सेल्फ वार्म टू फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो बर्ड्स होते हैं उनके फेदर्स होते हैं वो उन्हें गर्म रखते हैं ठंड के मौसम में भी। अगला है चैप्टर हमारा ब्रेल के बारे में, ब्रेल इज रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग, ये ब्रेल जो होती है वो ब्लाइंड्स के लिए यूज होती है जो देख नहीं सकते,
उनके बारे में, लुईस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था, वो फ्रांस के थे, उनकी वो सडनली किसी कारण से अपनी आईसाइट खो बैठे थे। उन्होंने क्या फाउंड किया कि टच करके लिखने का तरीका, उसको एक ब्रेल स्क्रिप्ट का नाम दिया। जो ये स्क्रिप्ट है वो 6 पॉइंट्स पे बेस्ड है। अब ब्रेल जो है वो कंप्यूटर पे भी आने लग गई है। इन द बिगिनिंग पॉट्स वर मेड इन स्टोन एंड क्ले, आगे है कि जो पॉट्स होते हैं वो स्टोन और क्ले के बनते हैं। पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन टू देयर हैंड। कावा टी के बारे में बताया गया, वो किससे बनती है। कावा जो है कश्मीर में इस्तेमाल करते हैं, वो आलमंड्स और यानी कि इलायची से बनती है कावा सर्दियों के मौसम में। द डल लेक इन श्रीनगर, टूरिस्ट एंजॉय द राइड ऑफ शिकारा इन डल लेक, बर्ड्स प्रिवेंट फ्रूट फ्रॉम इंसेक्ट एज दे ईट देम। बजू विलेज इन राजस्थान, सिंबल आर इम्पोर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट देयर मैप्स। आगे जो स्टोरी है कन्नम मलेश्वरी की स्टोरी है कि कैसे वो कन्नम मलेश्वरी, उनकी जो फादर के बारे में बताया गया कि किस तरह वो एक कांस्टेबल थे, उन्होंने कैसे अपने अपने फैमिली को चलाया। अब इस स्लॉथ के बारे में स्टोरी है, एक बियर की तरह दिखता है ये और कितने घंटे सोता है, इसके बारे में स्टोरी बताई गई है। अब जो अगली स्टोरी आ रही है, एक प्लांट है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में, मेघालय में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, जो कि इंसेक्ट्स खाता है, यानी कि ये शाकाहारी प्लांट है जो कि किसी जानवर को खाता है। इसके बारे में स्टोरी है। और ये वेलक्रो स्ट्रिप के बारे में स्टोरी है, यानी कि वेलक्रो यानी कि वेलवेट और क्रोशिया, उससे इन्होंने वेलक्रो स्ट्रिप बनाया था और उसके बारे में ये स्टोरी है। थिंक ओवर इट, इन 1986 देयर वाज अ रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग्स एरिया, पीपल रिमेंबर द ओल्ड फॉरगेटन। ये बाउली के बारे में स्टोरी है, यानी कि किस प्रकार पहले के लोग बाउली यानी कि वेल्स कुएं हुए को स्टोर रखते थे ताकि पानी या कभी भी सूखा पड़े भविष्य में तो उस वेल का इस्तेमाल करके सालों साल उसे चलाया जा सके, लेकिन अब ये चीजें नहीं है तो उसके लिए स्टोरी बताई गई। थिंक ओवर इट, थ्रू द आईज ऑफ अलबरूनी, अलबरूनी कौन था, जो कि उज्बेकिस्तान से आया था और एक प्रकार का एक ट्रैवलर था। इन्होंने भारतीय ग्रंथों के बारे में पढ़ा, उसके बारे में चर्चा करी भारत के बारे में। ये पहले विद्वान थे, मुस्लिम विद्वान, जिन्होंने भारतीय ग्रंथों के बारे में बताया और लिखा। इनकी भी स्टोरी है कि लगभग 11वीं शताब्दी में ये आए थे अलबरूनी, इन्होंने बहुत चीजें बताई हैं। आगे है डांडी मार्च के बारे में, कि डांडी मार्च 1930 में हुई और नमक सत्याग्रह से रिलेटेड चीजें बताई गई है कि डांडी मार्च कहाँ शुरू किया, क्यों शुरू किया, अहमदाबाद आश्रम से, ये सारी स्टोरी बताई गई है, आप ये जानते ही हैं। तो इस तरह से जो मेन मेन पॉइंट पूछे जाते हैं ईवीएस में, उन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। आगे है कि अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, ए ट्रैवलर ईयर्स अगो, ट्रैवल स्नो स्टॉर्म्स के बारे में है कि बचेंद्री पाल जब पहुंच गई थी माउंट एवरेस्ट पर तो वो अकेली थी, उन्होंने देखा वहां का, अपना हाल बताया किस तरह वहां पर पोजीशन है, वहां क्या होता है, मतलब ये पूरी स्टोरी बताई। 1984 में वो चढ़ी थी, वो सिलेक्टेड हुई थी अपनी टीम में, वहां पर स्नो स्टॉर्म भी आ गया था जब वो चढ़ी थी, तो ये पूरी स्टोरी है उसके बारे में। द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, पश्मीना शॉल आपने काफी सुना होगा, ये काफी महंगी भी बिकती है और 500 मीटर जिस बकरी से ये बनती है वो 500 मीटर की ऊंचाई, 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है और ये 0 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ठंड सह सकती है ये, और दिखने में ज्यादा चाहे मोटी ना लगे लेकिन होती ये काफी अच्छी है और काफी ऑलमोस्ट 250 hours के मेहनत के बाद ये बनती है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के बारे में इसमें बताया गया है कि उसमें हमें जानकारी होनी चाहिए किस प्रकार हमें फॉरेस्ट की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ग्राम सभा को भी ऐड किया गया है। तो ये सब था हमारा ईवीएस का सेक्शन जो पूरा हमने इसमें कवर किया है। आप इसके चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।